अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए हमेशा की तरह आपका फेवरेट सिलसिला नावल ओ गर्ल योर माइंड एपिसोड 6, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सैयदा तहसीन। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो फिर चलते हैं ओ गर्ल यू आर माइंड की एपिसोड 6 की तरफ। अस्वी बेड के किनारे पर लेटे आंखें मूंद गया, जबकि वो जानता था कि उसने जो फैसला किया है उसके बाद नींद उसकी आँखों में कहाँ उतरेगी। मीनू भी बैठ के दूसरे किनारे पे लेटी अस्वी की कही गई तमाम बातों के मुतालिक सोच रही थी, और फिर नैना की बातें, उसके बाद साइन की बातें, सब कुछ उसके जहन को बहुत उलझा गया था। दोनों की तमाम रात सोचों का ताना बाना बुनते गुजरी थी। आज खिलाफ तवक्को मीनू अस्वी के उठाने से कबल ही बेदार हो चुकी थी। दोनों की आँखें और सते हुए चेहरे रात भर जागने की चुगली खा रहे थे। पैकिंग कर लें, फिर आपको शाहब अंकल के घर छोड़कर ही ऑफिस जाऊंगा। अस्वी ऑफिस के लिए तैयार होकर रूम से निकलने से कबल उसे हुक्म सुनाता बाहर जा चुका था। मीनू जो कल तक ऐसा ही तो चाहती थी, लेकिन जाने क्यों अब तजब्जब का शिकार थी। लेकिन उसने तमाम तर सोचों को झटक कर पैकिंग कर ली थी। मीनू चंद रोज़ के लिए मैके जाना चाहती है, अभी ऑफिस जाते हुए उसे छोड़ आऊँगा। नाश्ते की मेज़ पर अस्वी ने सपाट से अंदाज में आपदा को बताया। ठीक है बेटा, छोड़ आओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। रामीन बेटी, तुम्हारे आने से इस घर और अस्वी की ज़िंदगी में तो जैसे रौनक ही आ गई थी। देखो तो तुम्हारे जाने पे इसका चेहरा कैसा उतरा हुआ है। आपदा ने रामीन को मुखातिब किया तो उनकी बात पे बेसाख्ता ही उन दोनों की निगाहें टकराईं। अस्वी तो नैपकिन से मुँह साफ करते हुए उठ गया था, जबकि मीनू भी सर झटक कर बिल्कुल खामोश हो गई थी। आंटी और कश्यप से मिलने के बाद वो अस्वी के साथ रुखसत हो गई थी, जो आज अपनी बाइक पे नहीं थी बल्कि मीनू के सामान की वजह से उसने कैब बुक करवा ली थी। कि वैसे भी तो उसने कभी बाइक पे सफ़र नहीं किया था, सो इनकम्फर्टेबल फील ना करे। तमाम रास्ते दोनों में गहरी खामोशी ने डेरे डाल रखे थे। मंजिल पे पहुंचते ही अस्वी ने उसका सामान निकाल कर गेट तक छोड़ा और एक आखिरी निगाह उस पर डाली। ठीक है, अपना ख्याल रखना, अस्वी के लहजे में कुछ था कि लम्हे भर को मीनू उससे निगाहें नहीं हटा पाई थी। जब भी अपने जज्बात के आया होने से कबल वो उससे रुख्सत ले लेना चाहता था। अगले ही पल वो खुदाफिस कहते हुए वापस गाड़ी में बैठा और उसकी निगाहों से ओझल हो गया। अस्वी उसे गेट पे ही छोड़ के ऑफिस के लिए निकल गया था। मीनू ने भी उसके अंदर आने पर ज़्यादा इसरार नहीं किया था। ऑफिस पहुँच कर अस्वी ने अपना रेजिग्नेशन लेटर शाहब साहब के ऑफिस की मेज़ पर रखा और जॉब छोड़ कर वहाँ से हाथ झाड़ता खाली जहन के साथ शहर की सड़कों पे खाक छाने लगा। अरे मीनू बेटा, आज इतनी सुबह सुबह, सब खैरियत है ना? और अस्वी नहीं आया तुम्हारे साथ? क्या तुम अकेली आई हो? शहाब साहब और बालाज अभी नाश्ते की मेज़ पे ही थे। मीनू के अंदर दाखिल होते ही शहाब साहब ने बेटी को कैरी को घसीटते अंदर आते देखा तो एक तरफ तो बेटी की आमद पर खुश हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ हर माँ बाप की तरह इस तरह सुबह सुबह उसकी अचानक आमद पर कुछ खटके भी थे, जबकि अस्वी भी उसके साथ नहीं था, जब ही पूछे बिना नहीं रह सके। जी बाबा, सब खैरियत है, बस आपकी याद आ रही थी तो मिलने चली आई। अस्वी को बताया तो उन्होंने कहा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी शाह अंकल की तरफ छोड़ देता हूँ। अस्वी नहीं आए, बस मुझे छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गए हैं, कह रहे थे वापसी पर चक्कर लगाएंगे, अभी ऑफिस से देर हो जाएगी, मीनू ने नज़रें चुराते हुए कहा। अच्छा बेटा, कैरी को वहीं छोड़ दो, शकीला ले जाएगी तुम्हारे कमरे में, तुम यहाँ आ जाओ, हमारे साथ नाश्ता करो, आज मिलकर नाश्ता करते हैं। शहाब साहब ने कुर्सी छोड़ दी और आगे बढ़कर नज़रें चुराती बेटी के सर पर दस्त से शफकत रखते हुए गोया हुए, जबकि मीनू भी उनसे लिपट गई थी। फिर आगे बढ़कर बालाज भाई से भी मिली, लेकिन नाश्ते से इनकार कर दिया। मैं तो नाश्ता करके आई हूँ, मीनू ने वहाँ एक कुर्सी घसीट कर बैठते हुए उन्हें बताया, जबकि शहाब साहब की टटोलती नजरें जान गई थीं कि यकीनन कोई बात है जो मीनू उनसे छुपा रही है। वो दोनों बाप बेटा नाश्ता करने लगे, जबकि उनके बेहद इसरार पर
मीनू ने फ्रेश मैंगो जूस का आधा ग्लास ले लिया था। इस दौरान वो लोग हल्की फुल्की गुफ्तगू भी करते रहे। अच्छा बेटा, तुम आराम करो, ऑफिस से वापसी पे शाम को मुलाकात होती है। जैसा कि तुम बता रही हो कि शाम को असवी भी ऑफिस से वापसी पे घर आएगा, तो शकीला से कहना कि तुम्हारे पसंद की डिशेस तो बनाएगी ही, साथ ही असवी की पसंद के बारे में भी उसे बताना, ताकि असवी की पसंद की डिशेस भी बना ले। भाई पहली बार दामाद घर आ रहा है तो उसकी शान और मदारत में कमी नहीं रहनी चाहिए ना। शहाब साहब ने नाश्ता करते ही नैपकिन से मुंह साफ करते हुए मीनू को ताकीद की, तो इस बार फिर वो नज़र चुरा गई। अब उन्हें क्या बताती कि उसने तो महज बात बनाई थी, झूठ गढ़ा था। जी बाबा, मैं शकीला को बता दूंगी, मीनू ने उनकी बात के जवाब में बमुश्किल मुस्कराते हुए कहा। मुबादा वो शक में मुब्तला ना हो जाए कि मीनू उनसे कुछ छुपा रही है। वो दोनों इजाज़त लेते ऑफिस के लिए रुख्सत हो चुके थे। मीनू अपने कमरे में आ गई थी और आते ही बेड पे कमर के बल धप से गिरी थी। उसे लगा था असवी के वजूद और इस घर से दूर अब वो रिलैक्स और बहुत अच्छा फील कर रही है। शकीला उसका सामान कमरे में रख कर जा चुकी थी, लेकिन उनसे साइन पे भी बला का गुस्सा था। उसने कैसी कैसी बातें नहीं की थी। वो यही सब सोच रही थी जब उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर साइन कॉलिंग लिखा था। मीनू ने ताज्जुब और गुस्से से भरपूर निगाह स्क्रीन पर डाली और कुछ देर यूं ही देखते रहने के बाद आखिर उसने कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव कर ली थी। मीनू, कॉल रिसीव करते ही साइम ने सवाली अंदाज में उसका नाम पुकारा था। बोल रही हूँ, कहो अब क्यों फ़ोन किया है, जबकि बकौल तुम्हारे मुझे कौन से सुखाब के पड़ लगे हैं, फिर अब कैसे याद आ गया। मीनू ने सहजाई अंदाज में उसे उसके गुज़िश्ता जुमले याद करवाए थे। आई एम रियली वेरी सॉरी मीनू, मैं वाकई तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ और उस दिन बहुत कुछ गलत बोल गया था। एक्चुअली मैंने पी रखी थी। तुम्हारी जुदाई के गम में अब यही काम है बस मेरा, इसलिए जब तुमने दोबारा फ़ोन किया तब भी मैं होश में नहीं था, और जब तुम्हारी दोस्त ने कॉल की तब भी ऐसी ही सूरत हाल से दो चार था। मैंने सारी गुफ्तगू बाद में रिकॉर्डिंग में सुनी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने कितनी बकवास की है और तुम कितना हर्ट हुई होगी। मैं बस एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़। रात भर फिर भी नहीं सो पाया, जब भी इतनी सुबह तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, वरना तुम्हें तो पता है कहीं दोपहर को जाकर मेरी सुबह होती है। खैर बताओ, तुम मिल रही हो ना। साइम तो उसके तंज के जवाब में शर्मिंदा होने के साथ साथ माफ़ी मांग कर उसके सामने बिछा जा रहा था। कब और कहाँ मिला है। मीनू ने दूसरी कोई भी बात करने की बजाय सीधा सीधा मिलने की जगह और वक्त के बारे में सवाल किया। फॉर्म हाउस पे मिलते हैं, शाम को कैसा रहेगा, लेकिन असवी को मत बताना वरना वो तुम्हें आने की कभी इजाज़त नहीं देगा। साइम ने आखिर में उसे असवी को कुछ भी बताने से मना कर दिया था। मैं पापा की तरफ हूँ, डोंट वरी, उसे पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आ जाऊँगी, लेकिन आज नहीं कल शाम को। मीनू ने अपनी बात मुकम्मल करते ही फ़ोन रख दिया था, जबकि दूसरी तरफ साइम भी बहुत कुछ सोच रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो इतनी आसानी से मान जाएगी। असवी आज एक ज़रूरी काम निपटा कर ही घर लौटा था। रत जगी की वजह से सर काफ़ी भारी हो रहा था, इसलिए अपने कमरे में आते ही वो बिना चेंज किए बेड पर गिरा और कुछ ही देर में नींद की आगोश में चला गया। फ़ोन के मुसलसल बजने पर उसकी आँख खुल चुकी थी। शहाब अंकल थे और उसे पता था कि उन्हें रेजिग्नेशन लेटर देखते ही जॉब छोड़ने का पता चल गया होगा, जब ही वो फ़ोन कर रहे होंगे। उसने फिलवक्त उनकी कॉल रिसीव नहीं की थी। फ्रेश होकर चेंज करते ही बाहर निकला तो कश्यप उसे किचन से बाहर आती दिखाई दी। आप सो गए थे तो आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा, हमने तो खाना खा लिया है, आपके लिए खाना गर्म कर दूँ, कश्यप ने भाई से पूछा तो असवी ने खाने से इनकार करते हुए ख़त्म ऊपर की जाने बढ़ाए। और आज भी वो चारपाई पर गिरते ही सिगरेट सुलगा कर आसमान को खाली खाली निगाहों से तके जा रहा था। क्यों मजनू साहब, लैला के जाने का गम मना रहे हो। नैना भी कुछ ही देर में ऊपर आनवारित हुई थी। आज असवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। कहीं लैला कुवते गुआई भी तो साथ नहीं ले गई। अगर इतना ही दिल को रोग लगाना था तो क्यों छोड़ाए हो उसे, नैना ने सामने चारपाई पर बैठते हुए कहा। वो नहीं रहना चाहती थी मेरे साथ, और मोहब्बत कभी भी ज़बरदस्ती की कायल नहीं होती, असवी ने मुंह से धुआं खारिज करते हुए कहा। अच्छा इस सिगरेट को तो परे फेंको, सख्त बुरा लगता है मुझे इसका धुआं और इसकी स्मेल, और तुमने तो अब सिगरेट नोशी को नाकाम आशिक की तरह अपना वतीरा ही बना लिया है।
नैना ने हाथ से धुआं उड़ाते हुए लहजे में बेजारिये समय हुए कहा, क्यों चली आती हो मेरे पीछे? जाओ आराम करो तुम, मत आया करो अब मेरे पीछे, मेरी शादी हो चुकी है। वैसे भी मामू या मुमानी को पता चला तो बुरा लगेगा उन्हें। अश्वी ने उसकी बात पर अमल करने की बजाय तलखी से कहा, जिसका मुकाबिल ने ज़रा भी बुरा नहीं मनाया, बल्कि नैना ने आगे बढ़कर उसके हाथ से सिगरेट छीने नीचे पटक कर अपने जूते के नीचे मसल दिया। जब तक वो नहीं आएगी, मालूम है ऐसे ही सब पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालोगे, बेहतर है उसे जाकर ले आओ, नैना ने उसकी हालत देखते हुए मुखलिसाना मशवरा दिया। फ्रस्ट्रेशन तुम पे नहीं बल्कि जिस पे निकालनी थी निकाल चुका हूँ, तुम्हें तो बस समझा रहा हूँ कि दूर रहो मुझसे। अश्वी ने आसमान से नज़रें हटाई तो नैना को देखते हुए अपनी बात मुकम्मल की, दूर ही तो हूँ, और कितना दूर करना चाहते हो? ज़िंदगी से तो खारिज कर ही चुके हो, अब चाहते हो कि बिल्कुल बेदखल हो जाऊँ? नैना जाने आज पहली बार क्यों उसकी बात सुनने के बाद खुद को खामोश नहीं रख पाई थी, जब ही सर्द से लहजे में तन में बुझा जवाब उसके मुंह पर दे मारा, मैं समझा नहीं। अश्वी उसकी बात पर उलझन का शिकार होते हुए उठ बैठा था, कुछ नहीं मजाक कर रही थी, तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो, हर बात को सच ही समझ बैठते हो। खैर ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि फ्रस्ट्रेशन किस पर निकाल कर आए हो? कहीं साइन की धुलाई तो नहीं कर दी? जाने क्यों तुम्हारे तेवर इस बात की चोखली खाते मालूम हो रहे हैं कि तुम बहुत कुछ कर आए हो, जब यूँ तसल्ली से सिगरेट के कश लगाने में मसरूफ थे। नैना ने मुस्करा कर अपनी गुज़िश्ता बात को कवर करते ही अब टटोलती निगाहों से उसे देखने के साथ साथ सवाल किया था, ऐसा कुछ नहीं, जाओ तुम आराम करो। अस्पी उसके सवाल का जवाब देने से एतराज बरतते हुए उसे वहां से चले जाने की तंबी करते हुए फिर से सिगरेट सुलगा चुका था। चली जाती हूँ, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से मशवरा दूंगी कि कल ही उसे वापस ले आओ, वरना यही सूरत हाल रही तो अपना हाल बेहाल कर लोगे। नैना ने फिर से सिगरेट सुलगाने पर तासुब से उसे देखा और साथ ही साथ उसे मुखलिसाना मशवरा भी दे डाला, नहीं उसकी खुशी इसी में है तो मैं उसकी खुशी नहीं छीनूंगा। अश्वी ने कर्ज से जवाब दिया, तो क्या वो कभी लौट कर नहीं आएगी? नैना के लबों से बेसाख्ता ही उसका जवाब सुनकर ये सवाल फिस रहा था। इसका फैसला उसके हाथ में दे दिया है, वो आज़ाद है अपनी ज़िंदगी में और अपने फैसलों में। अश्वी ने फीकी सी मुस्कराहट के साथ उसे बताया तो वो उसे देख कर रह गई, तो क्या उम्र भर इंतजार की सूली पर लटके रहोगे? नैना ने उसे देखकर फिर से सवाल दागा, हाँ मोहब्बत में दार पर चढ़ जाना भी बड़ा राहत बख्श होता है, मुझे अपनी मोहब्बत पे फ़ख्र होगा कि मैंने बेवफाई नहीं की बल्कि उसकी नफ़रत को सहकर भी हंसते हुए दार पर चढ़ गया। मैं तमाम उम्र यूं ही कुर्बान कर दूंगा, मर के भी अपना आप उसके नाम कर दूंगा। अश्वी की आंखों में मीनू का चेहरा लहरा रहा था, जबकि एक दीवानी जो जाने कब से दार पर चढ़ के मुकाबिल की खुशी की खातिर खुद को और अपनी मोहब्बत को यूं गुमनाम करके कुर्बान कर चुकी थी कि मुकाबिल उससे बिल्कुल ही बेखबर था। नैना खामोशी से सर झटकती वहां से उठ गई थी, लेकिन थोड़ी देर में उसके लिए ट्रे में खाना सजाए फिर से आनवारित हुई थी, जबकि वो अपने गुज़िश्ता मशगले में यानी सिगरेट नोशी में मसरूफ था। उठो खाना खा लो, नैना ने ट्रे साथ वाली चारपाई पर रखते हुए कहा। मुझे नहीं खाना खाना। तो फिर तुम क्यों आई हो ऊपर, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था ना? अश्वी उठकर बैठ चुका था और सिगरेट को छत पे फेंकते हुए सर लहजे में उससे मुखातिब था। मुझे पता है तुमने खाना नहीं खाया, बल्कि कश्यप ने ही मुझे बताया और उसने ही ये ट्रे भिजवाई है कि भाई तुम्हारी बात मान लेंगे तुम ऊपर ले जाओ। हर किसी को इस बात का यकीन है कि तुम मेरी बात सुनते हो, तो और कुछ ना सही, ये भरम और यकीन तो कायम रहने दो। उठो और खाना खा लो, तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, जब तक खाना नहीं खाओगे ना तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी और ना खुद जाऊंगी। नैना ने दो टूक अंदाज में अपना फैसला सुना डाला, जबकि आज अश्वी उसके बदले हुए तेवर और अंदाज पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका था। पागल हो गई हो क्या? ये ट्रे यहाँ रखो और जाओ यहाँ से, क्यों अपने साथ साथ मेरा भी तमाशा बनवाना चाहती हो? मामू और मुमानी उठ गए, यासर तो वो लोग क्या सोचेंगे कि रात के इस पहर तुम यहाँ मेरे साथ क्या कर रही हो? प्लीज़
जाओ। अस्पी जो पहले ही परेशान था, अब नैना की बातें और उसकी हरकतें उसकी परेशानी में इजाफा कर रही थीं। डरते हो कहीं वो कुछ गलत ना समझें और फिर मुझे तुम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत ना कर दिया जाए? नैना ने उसकी परेशानी भांपते हुए चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट सजाए फिर से सवाल किया था। मुसल्लत? अस्फी बड़बड़ाया और एक पल लगा था उसे नैना की बात समझ में नहीं। क्यों, तुम्हें नहीं लगता डर? अगर तुम्हें किसी की दूसरी बीवी बना दिया जाए तो तुम्हें किसी की दूसरी बीवी बनना बुरा नहीं लगेगा? अस्फी ने सवाल के बदले सवाल कर डाला, बजाय के जवाब देकर नैना की मुश्किल आसान कर देता। नहीं, जिससे मोहब्बत करती हूँ अगर उसकी तीसरी या चौथी बीवी भी बनना पड़ा तो बन जाऊंगी। भले शराकतदारी नाकाबिल बर्दाश्त होगी, लेकिन दिल को बहलाने को ये ख्याल काफ़ी होगा कि बंटवारे के साथ ही सही, लेकिन वो शख्स मेरे हिस्से में भी तो आया है, नैना ने अस्वी पे निगाहें गाढ़े हुए कहा। वो आज तक खामोश रही थी, उस पर अपनी फीलिंग्स को आया नहीं किया था, क्योंकि वो सोच रही थी कि अस्वी किसी और को चाहता है और उसी में खुश थी कि अस्वी को उसकी मोहब्बत मिल जाए तो वो भी उसकी खुशी में खुश हो जाएगी। लेकिन आज अस्वी को इस हाल में देखकर धीरे धीरे उसकी सालों की खामोशी अब टूट रही थी, जबकि अस्वी भी उसके जवाब पर दम बखुद सा हवनों को की तरह उसे देखा जा रहा था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? हमें अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।